आपने वो पोयम तो जरूर पढ़ी या सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पारी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको चार ऐसी मछलियों से मिलवाने वाले हैं जो पानी में हाथ लगाने से ना तो डरती है और ना ही पानी से बाहर निकालने पर मरती है। ये तो उल्टा सामने आने वाले के परखच्चे उड़ाकर उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चलता कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टोन फिश, पफर फिश, इलेक्ट्रिक ईल और पिराना नामक बेहद ही खतरनाक मछलियों की। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं इन मछलियों से जुड़ी तमाम पहलुओं से। इसके साथ ही हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जब इन खूंखार मछलियों के बीच घमासान छिड़ जाएगा तो आखिरकार जीत किसकी होगी। दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों के रूप में अपनी पहचान रखने वाली इन चारों मछलियों में से अगर सबसे पहले बात की जाए इलेक्ट्रिक ईल की, तो ये अपने आप में एक बिजली का भंडार होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिजली का भंडार। क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को अंजाम देने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए जबरदस्त करंट का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इन्हें छूना करंट से लबरेज किसी नंगे तार को छूने जैसा ही होता है, क्योंकि आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि इलेक्ट्रिक ईल एक बार में करीब 600 से 860 वोल्ट तक का करंट मारने की क्षमता रखती है, जो किसी भी जीव को परलोक से धारने के लिए काफी होता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक ईल नामक ये मछली किसी चलती फिरती पावर हाउस से कम नहीं होती है। हालांकि इस बात को सुनकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हार्ड मास का बना कोई जीव भला करंट कैसे मार सकता है, तो आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक ईल के शरीर से पैदा होने वाला करंट इनके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में मौजूद होता है, और जब ये अपने शिकार की तलाश में निकलती है या फिर इनके लिए शिकारियों से अपनी जान बचाने की बारी आती है तो ये अपने इलेक्ट्रोसाइट सेल्स को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से ये सेल्स जबरदस्त करंट पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी बॉडी से निकलने वाला करंट इतना जबरदस्त होता है कि इसकी चपेट में आकर मगरमच्छ जैसे विशालकाय और खतरनाक जीव का भी राम नाम सत्य हो जाता है। तो जरा कल्पना कीजिए कि मगरमच्छ के शरीर को भी झंझना देने वाली इलेक्ट्रिक ईल के सामने छोटे मोटे जीवों की क्या हालत होती होगी। हालांकि अमेज़न और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई लगभग 6 से 8 फीट तक होती है, और आमतौर पर ये दूसरी छोटी मोटी मछलियों को ही अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करती है। लेकिन कई बार ये बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस को भी अपना निशाना बना डालती है। अब ये तो हुई करंट मारने वाली इलेक्ट्रिक ईल की बात, लेकिन अगर हम बात करें पिराना की, तो इनके खौफ का मंजर आपने कई हॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा, जिनमें इन मछलियों को एक खौफनाक कातिल के रूप में फिल्माया गया है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये पिराना इतनी खूंखार होती है। तो आपको बताते चले कि अमेज़न के कई इलाकों में लोग बड़े से बड़े खतरनाक जानवरों से भी इतना खौफ नहीं खाते जितना खौफ पिराना को लेकर इनके अंदर होता है। यही कारण है कि ये लोग मछली पकड़ने के दौरान पानी के अंदर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, और अगर भूलकर भी ये पानी के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं तो इनका भी हाल कुछ वैसा ही होता है जैसा पिराना के ऊपर बनी मूवीज में लोगों का होता है। इतना ही नहीं, अपनी दहशत के दम पर पानी की दुनिया में राज करने वाली पिराना आकार में तो बेहद छोटी होती है, लेकिन इतनी खतरनाक होती है कि पानी में रहने वाले किसी भी दूसरे जीव की बॉडी को पलक झपकते ही कंकाल में तब्दील कर देती है। मजबूत जबड़े, जबरदस्त बाइट फोर्स, तेज और नुकीले दांत, ये कुछ ऐसे लाजवाब फीचर्स है जो पिराना को एक जीता जागता हैवान बनाते हैं। इसके साथ ही इन मछलियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर इतनी तेजी से तैरती है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लग पाती कि कब ये उसके करीब पहुंच चुकी है, और जब तक वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही पिराना अपने शिकार पर इतनी बेरहमी से वार करती है कि पलक झपकते ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन मछलियों की हैवानियत को देखकर कोई भी इंसान या जानवर इनसे 4 कोस की दूरी बनाकर रखना ही पसंद करता है। अब ये तो हुई इलेक्ट्रिक ईल और पिराना की बात, लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने किसी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरीली हो सकती है, तो इस बात को सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसी भी कोई मछली होती है क्या। तो जरा एक नज़र इस गोल मटोल सी दिखने वाली पफर फिश पर भी डाल लीजिए, क्योंकि आम तौर पर जापान, चाइना, फिलीपीन और मेक्सिको में पाई जाने वाली पफर फिश के जहर का कोई तोड़ नहीं होता। ऐसे में किंग कोबरा के जहर से इंसान एक बार तो शायद बच भी जाए, लेकिन पफर फिश के जहर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है।
हालांकि लुक्स के मामले में ये बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन आप ये जानकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे कि खूबसूरत सी दिखने वाली ये मछलियाँ काफी जहरीली होती है और इनके अंदर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है। आपको बताते चले कि लगभग सारी पफर फिश में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर होता है और ये जहर साइनाइड से भी करीब 1200 गुना ज्यादा घातक होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक छोटी सी पफर फिश में भी इतना जहर होता है जिससे लगभग 30 एडल्ट इंसानों की जान चली जाए। इतना ही नहीं, ये मछलियाँ जहरीली होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी मानी जाती है क्योंकि इन्हें बेहद ही मजबूत जबड़े में छुरी के जैसे तेज धार वाले दांत होते हैं जिसकी मदद से ये इंसानों की हड्डियों का चूरा तक बनाने की ताकत रखती है। इसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब इन्हें अपने ऊपर कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी के अंदर ढेर सारा पानी भरकर किसी फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ इनकी स्पीड पहले से कहीं अधिक हो जाती है तो वहीं इनके फूले हुए शरीर पर मौजूद कांटों की वजह से कोई भी शिकारी इन्हें आसानी से अपना निवाला नहीं बना पाते। पफर फिश के साथ एक और खास बात जुड़ी है कि इतनी जहरीली होने के बावजूद भी जापान में लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए लाइसेंसधारी शेफ की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको बनाने में जरा सी चूक हुई नहीं कि ग्राहक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चलिए अब लगे हाथ स्टोन फिश के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे जहरीली और घातक मछलियों में से एक माना जाता है और शायद यही वजह है कि इनकी गिनती पानी के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में की जाती है। हालांकि ये मछलियाँ पहली नजर में देखने पर बिल्कुल किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से ही इनका नाम स्टोन फिश रखा गया है। इनकी पीठ पर कई नुकीले कांटे होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं। इसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पानी से बाहर भी 24 घंटे तक सरवाइव करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये कई बार समुद्र के बाहर निकलकर बीचेस के ऊपर भी आ जाती है, जहां मौजूद कोई भी इंसान अगर गलती से इन पर पैर रख देता है तो इनकी पीठ पर मौजूद कांटों का जहर उस इंसान के शरीर में दाखिल हो जाता है। स्टोन फिश का जहर इतना घातक होता है कि किसी इंसान के शरीर में पहुंचते ही ये अपना काम शुरू कर देता है और महज 1 से 2 घंटे के अंदर ही उस इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि इंडो पैसिफिक में पाए जाने वाली ये मछलियाँ बेहद ही जहरीली होने के साथ साथ अव्वल दर्जे की कलाकार भी होती है क्योंकि ये छलावरण करने की कला में पूरी तरह से पारंगत होती है और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की जबरदस्त क्षमता रखती है। इसके साथ ही अपने शरीर को कुछ इस तरह से फ्रीज कर लेती है कि इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो ये कोई मछली नहीं बल्कि कोई पत्थर का टुकड़ा मात्र है, जिसकी वजह से जहां एक ओर शिकारी भी इन्हें ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर समुद्र की गहराई में गोता लगाने के शौकीन तैराकों को भी इस मछलियों से बचते बचाते हुए खुद को निकालना पड़ता है क्योंकि स्टोन फिश कुछ इस कदर जहरीली होती है कि तैराकों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, छलावरण करने के इस अद्भुत फीचर की वजह से इनके शिकार को इनकी मौजूदगी का जरा भी आभास नहीं हो पाता और जैसे ही कोई इनके करीब पहुंचता है तो चंद सेकंड्स में ही ये उसे अपना शिकार बना डालती है। और अब आखिरकार आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन चारों बेहद ही खतरनाक मछलियों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो इस संग्राम में आखिरकार कौन विजेता बनेगा। तो आपको बताते चले कि जहां स्टोन फिश अपने खतरनाक जहर के साथ साथ कैमोफ्लाज करने की अद्भुत क्षमता के दम पर सामने वाले को मात देने की ताकत रखती है तो वही पफर फिश भी अपने जहर रूपी हथियार के साथ साथ बेहद ही मजबूत और नुकीले दांत की मदद से बाजी को पलटने का दम रखती है, जबकि पिराना अपने मजबूत जबड़े जबरदस्त बाइट फोर्स के साथ साथ काफी तेज और नुकीले दांतों के जोर पर सामने वाले को पटकनी देने की काबिलियत रखती है। लेकिन जब बारी आती है इलेक्ट्रिक ईल की तो अपनी करंट रूपी ब्रह्मास्त्र के दम पर इनका पलड़ा भारी होता नजर आता है क्योंकि जब तक बाकी की तीनों मछलियाँ अपने फीचर्स का इस्तेमाल करेंगी तब तक इलेक्ट्रिक ईल इनके शरीर में करीब 600 से 860 वोल्ट का करंट दाखिल कर चुकी होंगी और यही कारण है कि इतने जबरदस्त करंट के सामने तीनों मछलियों का बड़ी ही आसानी से काम तमाम हो सकता है। ऐसे में हमारी समझ से इस लड़ाई में इलेक्ट्रिक ईल का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।